अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 11 पे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्लास 12th के सिलेबस के मुताबिक। हम आज टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सल सिलेबस के हिसाब से, वो ये है ब्रांडिंग। आपने अक्सर सुनते हुए देखा है या आपने सुना होगा कि पीपल बाय ब्रांड्स, दे डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय ब्रांड्स। आजकल जो भी आप देखते हो, किसी फ्रेंड ने आपका आपके किसी फ्रेंड ने फ़ोन लाया है, आप उसको बोलते हैं किस ब्रांड, किस कंपनी का लाया है, कौन सा ब्रांड लाया है। या इसी तरह आप अपने फ्रेंड का शूज़ देखते हो या टी शर्ट वगैरह देखते हो, आप पहले चेक करते हो कि ये किस ब्रांड का है। तो आजकल देखा जाता है कि लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं, वो असल में ब्रांड्स खरीदते हैं। फिर वो चीज़ कैसा है, क्वालिटेटिव है नहीं है, वो लीस्ट बॉदर है इस टाइम। अक्सर जो इस टाइम ट्रेंड जो चल रही है वो यही है कि हम इस टाइम ब्रांड्स खरीदते हैं। ये ब्रांड होता क्या है, इसकी क्या अहमियत है एक मार्केटर के लिए, वही आज जानने की हम कोशिश करते हैं। चलो लेट्स सी कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग से पहले हम जानेंगे ब्रांड होता क्या है। ब्रांड जो होता है एक सिंपली नाम होता है, या सिंबल आप इस्तेमाल करते हो, या आप अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन ऐसा रखते हो, उसी डिज़ाइन वही सिंबल या वो जो नाम या टर्म जो आप इस्तेमाल करते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, वही टर्म वही नेम या वही सिंबल आपके लिए ब्रांड हो जाता है। या कभी कभार आप इन्हीं का इस्तेमाल करते हो, यानी कि आपके प्रोडक्ट में जो ब्रांड होता है वो नेम भी उसमें होता है, नेम के साथ साथ आप कोई सिंबल भी उसमें पुट करते हो। सो इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम एज वेल एज द सिंबल्स, और समटाइम्स इट कैन बी ओनली द नेम। जैसे आप देखते हो जो गूगल है, गूगल को ऊपर लिख के होता है GOOGLE, गूगल, और इसके साथ साथ कुछ छोटा मोटा उसका बना के होता है। और सेम इज द केस विद द, अगर आपने देखा होगा एप्पल जो है आईफोन, उसको लिखा होता है नीचे एप्पल या आईफोन लिखा होता है, और ऊपर सिंबल होती है एप्पल टाइप की। सो समटाइम्स देयर कैन बी द कॉम्बिनेशंस, और समटाइम्स देयर कैन बी ओनली द सिंबल। सो ये जो सिंबल आप अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, दैट्स कॉल्ड अ ब्रांड। अब इसे क्या होता है, जो ब्रांड आप क्यों इस्तेमाल करते हो, देयरफॉर आपका जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में आइडेंटिफाई हो सके और ये डिफरेंशिएट हो सके आपके कंपटीटर्स के प्रोडक्ट के साथ। अगर सारे प्रोडक्ट्स को हम विदाउट ब्रांड नेम नहीं रखेंगे तो कोई भी कस्टमर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। अपनी चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए आप मार्केट में क्या करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को कोई निशाना रखते हो, कोई सिंबल रखते हो, कोई नाम रखते हो, जिससे आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में डिफरेंशिएट होता है और लोगों को इजी हो जाता है उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो दैट्स वाई जो हम ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, इसका मकसद ही होता है टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम दोज ऑफ द कंपिटिटर्स, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट हो सके कंपिटिटर्स के प्रोडक्ट के साथ। देयर आर नंबर ऑफ ब्रांड्स जो इस टाइम करंटली चल रहे हैं। अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे टाटा है, जियो है, इन्फोसिस है। अगर 2015 का स्टैट्स देखेंगे, 2015 में सबसे जो टॉप मोस्ट ब्रांड इंडिया में माना जाता था वो था टाटा। इसी तरह अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे, 2015 की हम स्टैट्स की बात करेंगे, वहां पे जो लीडिंग जो ब्रांड था दैट वॉज एप्पल। सो इसलिए मैंने कहा आज जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं वो प्रोडक्ट कम खरीदते हैं और ब्रांड ज़्यादा खरीदते हैं। इसी ब्रांड की वजह से, इसी ब्रांड नेम की वजह से एक कस्टमर ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होता है। आप दो ब्रांड्स लाए, एक आप अच्छा खासा ब्रांड लाए, दूसरा आप उसके थोड़ा जो नया होगा। यू विल ऑब्जर्व वन थिंग दैट जो पर्सन अच्छा ब्रांड खरीदने जा रहा होगा, अगर उसको बताएंगे कि क्वालिटी में ये अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू, वो फिर भी बोले कि नहीं मुझे यही ब्रांड खरीदना है।
तो वंस आपने ब्रांड इमेज क्रिएट कर ली मार्केट में, तो आपके लिए वो एडवर्टाइजमेंट का भी काम करता है और लोग ज़्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार होते हैं। सो इसके बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे फायदे हैं, वो हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रांड होता क्या। ब्रांड सिंपली एक सिंबल होती है या कोई मार्क होता है या कोई नाम होता है जो अपने प्रोडक्ट पे आप रखते हो, ताकि आप इस प्रोडक्ट को अपने कंपिटिटर के प्रोडक्ट के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकोगे। इसी चीज को हम कहते हैं ब्रांड। अब ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग एक मार्केटिंग फंक्शन है, जैसे बाइंग एक मार्केटिंग फंक्शन है, सेलिंग एक मार्केटिंग फंक्शन है, असेंबलिंग एक मार्केटिंग फंक्शन है, इसी तरह ब्रांडिंग एक मार्केटिंग फंक्शन है। ब्रांडिंग होता क्या है? ब्रांडिंग सिंपली का मतलब है इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ डिस्टिंक्टिव नेम। एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप असाइन करते हो अपने प्रोडक्ट को, आप असाइन करते हो एक अलग सा नाम या सिंबल रखते हो, एक अलग सी सिंबल आप रखते हो, जिससे आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में जाना जाता है और याद रखा जाता है। इन्हीं सिंबल्स के नाम से आपका प्रोडक्ट जाना भी जाता है और याद भी रखा जाता है, और इसी चीज से आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट भी होता है। जैसे अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाओगे मार्केट में, तो हमेशा आप एक काम करना, आप देखना उसमें ISI मार्क लगा है कि नहीं। ISI मार्क जो है ये एक ब्रांड बन चुका है, इससे आपको पता चलता है कि जो प्रोडक्ट है क्या ये अच्छा क्वालिटी का है या नहीं है। इसी तरह जब आप गोल्ड खरीदते हो, आप उस पर चेक करते हो हॉलमार्क का निशान आप चेक करते हो। सो ये जो हॉलमार्क है या ये जो ISI मार्क है, इससे एक कस्टमर के लिए भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो अच्छे और खराब प्रोडक्ट में, आप खराब प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता है, और इसके साथ साथ उसको वो धोखे से बच सकता है। सो ये जो ब्रांड्स है, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ब्रांडिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को कोई नाम रखते हो या सिंबल रखते हो, जिससे आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाना जाता है और याद रखा जाता है। अब इसके साथ और एक रिलेटेड टर्म है, दैट्स ट्रेड नेम, ट्रेडमार्क जिसको हम कहते हैं। जब आप अपने इस ब्रांड को या अपने इस जो आपने नेम रखा या सिंबल रखी है, जब आप उसको लीगल प्रोटेक्शन देते हो, यानी जब आप उसको बाज़ाब्ता कोर्ट में रजिस्टर कराते हो, लीगल प्रोटेक्शन देते हो, आप उसको रजिस्ट्रेशन लाते हो, रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, आपका जो ब्रांड होता है वो ट्रेड मार्क बन जाता है, वो ट्रेड नेम बन जाता है। अब दूसरी फर्म, कोई भी फर्म आपका ये ब्रांड इस्तेमाल नहीं कर सकती है, क्योंकि आप आपने उसको लीगल प्रोटेक्शन दिया। आप कोई भी कंपनी, आप कोई भी बिजनेस अगर ऐसा नाम इस्तेमाल करेगी, वही नाम इस्तेमाल करेगी जो आपने नाम दिया, जिसको आपने लीगल प्रोटेक्शन दिया है, आप उसके खिलाफ आप केस रजिस्टर कर सकते हो और उससे आप कंपनसेशन ले सकते हो और आप उसको बंद करा सकते हो। सो जब आप अपने ब्रांड नेम को लीगल प्रोटेक्शन देते हो, बाज़ाब्ता कोर्ट में रजिस्टर कराते हो, तो आपका जो ब्रांड नेम बनता है वो खाली ब्रांड नेम नहीं रहता है, बल्कि वो ट्रेडमार्क बन जाता है, ट्रेड नेम बन जाता है। कौन कौन सी कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे लिखे, जैसे ISI मार्क जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे होता है, हॉलमार्क जो का निशान जो गोल्ड पे होता है, इस तरह एप्पल आप देखते हो, जो एप्पल आप एप्पल फोन आप जो इस्तेमाल करते हो, एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो जिसने बहुत सारी रेपुटेशन हासिल की है। ये जब इन्होंने, अब कोई भी फर्म एप्पल अपने प्रोडक्ट को एप्पल नहीं रख सकती है, क्यों? क्योंकि एप्पल को जो है इसको लीगल प्रोटेक्शन है। कोई भी फर्म आप ऐसे सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकती है, ये इन्हीं को हक है जिनकी जो इनकी ओनर्स है। अच्छा, एक अच्छा ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए? कह रहे अ गुड ट्रेड नेम और ब्रांड शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। वो छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ये सिंपल है यहां पे, ताकि लोग इसको जान सकेंगे, ताकि लोग इसको याद रख सकेंगे। ये ऐसी कोई लंबी चौड़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, लंबी चौड़ा कोई सिंपल नहीं होना जो लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो जाए। एक आपका ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो ईजी होना चाहिए, जो ईजी होगा लोगों के मतलब देखने से ही उनको याद होना चाहिए और उनको हमेशा ये वो जहन में रहना चाहिए। इसलिए आपका जो ब्रांड है वो तभी मशहूर हो सकता है जब आपका ब्रांड नेम जो है सिंपल रखा है और आपने उसको शॉर्ट रखा है। और इसके साथ साथ आपका जो ब्रांड है ये अट्रैक्टिव भी होना चाहिए और ये डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। डिस्टिंक्टिव मतलब ये बिल्कुल अलग, मुख्तलिफ होना चाहिए बाकी ट्रेड नेम से, ये मार्केट में दूर से पहचाना आना चाहिए। ऐसा ये अट्रैक्टिव होना चाहिए और ऐसा ये डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेज पे। जहां तक इसके एडवांटेज की बात है ब्रांड की, हम चले देखते हैं इसके आगे। तो अब हम देखेंगे ब्रांडिंग के क्या एडवांटेजेस है। अभी तक हमने देखा ब्रांड होता क्या है,
और ब्रांड ब्रांड से ब्रांड असल में क्या होता है, हमने देखा कि एक सिंबल जब हम किसी प्रोडक्ट को रखते हैं या कोई नाम रख असाइन करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट बाकी राइवलरी प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है, डिफरेंशिएट होता है, उसको हम कहते हैं ब्रांड। अब ये ब्रांड देने से एक फर्म को क्या फ़ायदा है, लेट्स सी। नंबर वन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सबसे पहला जो बुनियादी इसका मकसद होता है वो अचीव होता है, क्या हमारा प्रोडक्ट दूसरे राइवलरी प्रोडक्ट के साथ डिफरेंशिएट होता है। अगर हम प्रोडक्ट कहीं पे भी रखेंगे जो हमने वहाँ पे नाम रखा होगा अपने प्रोडक्ट को, या सिंबल रखी होगी, या कोई वो जो टर्म रखी होगी, उस टर्म से या उस सिंबल से हम अपने प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। इसी तरह हमारे कस्टमर जो भी है वो भी हमारे इस प्रोडक्ट को उसी सिंबल से या उसी नाम से पहचान सकेंगे, जिससे वो अपने किसी भी धोखा से बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो है इससे क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फ्रॉम राइवल प्रोडक्ट्स। जो आपके कंपटीटर के प्राइस प्रोडक्ट होंगे उसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर प्यूमा वालों ने अपना वो मार्क नहीं रखा होगा तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि बेस्ट क्वालिटी वाला शूज कौन है। सो ये जो प्यूमा वालों ने जो वो चीता टाइप जो ने रखा है वो जो सिंबल, वो उसके लिए ब्रांड नेम है। उसी ब्रांड नेम की वजह से, उसी सिंबल की वजह से लोग जो है वो पहचान सकते हैं कि कौन सा अच्छा क्वालिटी का शूज़ है। इसी तरह देयर आर नंबर ऑफ ब्रांड्स जिससे इसी इन ब्रांड्स की वजह से आप पहचान सकते हो कि कौन सा बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो कस्टमर के लिए भी इजी हो जाता है, कन्वीनियंस हो जाता है अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट पहचाना। सेकंड में फैसिलिटेट्स एडवर्टाइजिंग। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा है एक मार्केटर के लिए उससे उसको ये है कि वो बिना एडवर्टीजमेंट के बगैर अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। ये ब्रांड जो है ना, ब्रांडिंग इटसेल्फ इज अ सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये खुद एक, जब लोगों के जहनों में ब्रांड नेम आ गया, छाप छोड़ी है लोगों के जहनों में, तो वो वर्ड माउथ एडवर्टीजमेंट बन रहे हैं, खुद ब खुद वो वर्ड माउथ एडवर्टीजमेंट्स बन रहे हैं। वो क्राउड प्लेयर्स बनते हैं, वो बाकी लोगों को फिर बोलते हैं कि मैं फलानी ब्रांड पहनता हूँ, फलानी शाहरुख खान जो वो फलानी ब्रांड पहनता है, और आप भी उस ब्रांड की तरफ फिर रागिब हो जाते हो, माइल हो जाते हो, और आप भी वही ब्रांड फिर इस्तेमाल करते हो। तो इसी ब्रांड की वजह से आपको क्या है, इट फैसिलिटेट्स एडवर्टीजमेंट। आपको फिर नए से एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप वंस लोगों के जहनों में ब्रांड छप गया है तो आपको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। लोग खुद, कस्टमर जो है ना, वो लॉयल बनेंगे। जब वो रिपीटेडली आपका ब्रांड इस्तेमाल करेंगे वो फिर आदी हो जाते हैं। जब वो आदी हो जाते हैं ना, वो आपको फिर एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद फिर बाकी लोगों को फिर बोलते हैं कि फलानी ब्रांड अच्छा है, फलानी ब्रांड खरीदो। इस तरह से एक बिजनेस को एडवर्टीजमेंट भी होती है साथ साथ। थर्ड एक तीसरा एक इसका इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है वो है वो डिफरेंशियल प्राइसिंग। देखिए, जब लोगों के जहनों में ब्रांड ने छाप छोड़ी है तो इस ब्रांड की वजह से आप हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो, क्योंकि जब कस्टमर जो है हैबिचुअल बनते हैं किसी ब्रांड को खरीदने के लिए, फिर वो हायर प्राइस देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो इतने आदी हो जाते हैं, वो आदत से मजबूर हो जाते हैं, चाहे उनके पास कैपेसिटी हो या ना हो, वंस उनको लत लग गई ब्रांड की, वो फिर उम्र भर वही ब्रांड खरीदते हैं, उसी ब्रांड के पीछे लगे रहते हैं, और हायर प्राइस देने के लिए भी वो रेडी होते हैं। उनके लिए सिर्फ हायर प्राइस कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन वंस उनके ब्रांड को पसंद आ गया फिर वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार होते हैं। यही इससे क्या होता है, एक मार्केटर जो है हायर प्राइस या डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकता है। फोर्थ वन, दैट इज लोअर सेलिंग कॉस्ट्स। देखिए, वंस ब्रांड आपका ब्रांड रेपुटेड हो गया, रेपुटेशन अर्न कर ली, पॉपुलरिटी गेन कर ली आपके ब्रांड ने, इससे क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, आपका प्रोडक्ट जो बेचने में मदद जो करते हैं, जो चैनल आप डिस्ट्रीब्यूशन में बीच में आते हैं, चाहे वो होलसेलर्स होंगे चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे ना, वो रेडिली एक्सेप्ट करते हैं आपका प्रोडक्ट बेचना। क्यों? अगर आप उनको कम प्रॉफिट मार्जिन भी दोगे ना, दे आर रेडी टू सेल योर प्रोडक्ट। वाई? क्योंकि उनको पता है ये ब्रांड जो है, ये लोगों में ये आ गया, ये नाम लोग इसको वेट कर रहे हैं, लोग खरीदेंगे, इसलिए उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस प्रोडक्ट को बेचने में, इसलिए वो कम प्रॉफिट मार्जिन पे भी एक्सेप्ट करते हैं कि आपका प्रोडक्ट बेचना। तो इस तरह से आपके जो डीलर्स होते हैं वो भी रेडी हो जाते हैं आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड नेम। कम प्रॉफिट मार्जिन पे भी वो रेडी होते हैं आपका प्रोडक्ट बेचने में।
फोर्थ एंड बट नॉट लीस्ट, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इस ब्रांडिंग की जो वजह से जो एक मार्केटर को फायदा है वो है, वो ये है इज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब भी कोई मार्केटर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे वो इजीली से वो लॉन्च कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सबसे पहले जो हीरो होंडा कंपनीज जो थी ना, उन्होंने पहले वो मोटर्स बनाना शुरू किए थे, सबसे पहले वो मोटर्स बना रहे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम जब उन्हें, जब हीरो होंडा जो है लोगों में ब्रांड बन गया है, लोगों में मशहूरियत उसने पाई है, लोगों में पॉपुलर हो गया, फिर उन्होंने बीच में फिर हीरो होंडा बाइक्स भी लाए, तो फिर हम देख रहे हैं इस टाइम हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो है हीरो होंडा बाइक्स भी प्रेफर कर रहे हैं, अगर क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ब्रांड कमा के रखा था, ऑलरेडी लोगों के जहन में उन्होंने छाप छोड़ के रखी थी। इसलिए जब भी आप कोई भी मार्केटर जिसने ब्रांड इमेज बना के रखी है, फिर अगर वो बीच में कई साल बाद कोई नया प्रोडक्ट भी लाएगा ना, वो उसको सेल कर पाना ईजी हो जाता है और लोग जो ना वो ईजिली उसको एक्सेप्ट करते हैं, उनका अच्छा खासा रेस्पॉन्स आता है उस प्रोडक्ट के हवाले से, उनको नए से मेहनत नहीं करनी पड़ती है उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट्स पे, या उस प्रोडक्ट को बेचने में उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता इस मार्केटर के लिए जिसने ऑलरेडी ब्रांड इमेज क्रिएट करके रखी है, उसको नए से नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। इस तरह से एक मार्केटर को ये सब चीजें इसको इस अहमियत है, इसको इन सब ब्रांड नेम की वजह से इसको ये फायदे हैं। अब बात करते हैं और एक चीज जो इसके रिलेटेड है, दैट्स लेबलिंग। लेबलिंग क्या, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेबलिंग क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट के पैकिंग पे एक स्लिप पुट ऑन करते हो, उस स्लिप पे आप लिखते हो कि मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नेचर क्या, प्रोडक्ट है क्या, इसकी यूजेज क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करने, इस प्रोडक्ट में कंटेंट्स क्या है, क्या क्या कंटेंट्स है, इसका प्राइस क्या है। वो जब लेबल आप पैकिंग के ऊपर एक स्लिप जो आप लगा देते हो, दैट्स कॉल्ड लेबलिंग। लेबलिंग सिंपली मीन्स पुटिंग अ स्लिप ऑन टू द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द मैन्युफैक्चरर, अबाउट द यूजेज, अबाउट द बेनिफिट्स, अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसी चीज को हम कहते हैं लेबलिंग। तो लेबल क्या होती है, एक स्मॉल स्लिप जो आप पुट करते हैं प्रोडक्ट पे ताकि आप उसका नेचर डिनोट कर सके, इसका कंटेंट बता सकते हो, इसका मैन्युफैक्चर या ओनर बता सकते हो, इसके यूजेज बता सकोगे और इसका मैन्युफैक्चर का नेम बता सकोगे। इसी के साथ और एक चीज इंपॉर्टेंट और एक चीज रिलेटेड है, दैट्स पैकिंग। पैकिंग का मतलब क्या है, पैकिंग सिंपली का मतलब यह है आप किसी प्रोडक्ट को रैप अप कराते हो, ओढ़ते हो, किस वजह से आप उसको ओढ़ते हो, ताकि ये जो प्रोडक्ट है ये ब्रेकेज होने से बच सके, लीकेज होने से बच सके, स्पाइलेज होने से बच सके। किसी प्रोडक्ट जो आपने प्रोडक्ट बनाया, जब आप उसको पैकिंग करते हो, उस पैकिंग से वो अट्रैक्टिव भी बनता है और इसके साथ साथ उसको कैरी कर पाना, एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर पाना इजी हो जाता है, इजी टू हैंडल हो जाता है। इसी पैकिंग की वजह से जब आप कभी कभार अट्रैक्टिव पैकिंग करते हो ना, यही अट्रैक्टिव पैकिंग जो है कस्टमर को रागिब करता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अगर जो उसके अंदर कोई प्रोडक्ट उतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं भी होगा या उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं भी होगा, तब भी जाके लोग जो है उस पैकिंग की वजह से अट्रैक्ट होते हैं और वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये पैकिंग है क्या, इसका सिंपल मतलब है कवरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, रैपिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और फिलिंग और कंप्रेसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट इट, ताकि हम इसको बचा सके इट फ्रॉम द स्पाइलेज, सड़ने से, टूटने से या लीकेज से हम इसको बचा सके। इसी चीज को हम कहते हैं पैकिंग। पैकिंग जो है ये मोर देन कवरिंग है, क्यों, इससे क्या होता है, आप ये एक्ट करता है सेलिंग टूल। इसका मतलब ये है कि आपको इजी हो जाता है प्रोडक्ट सेल करना, इजी हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव पैकिंग की वजह से आपका प्रोडक्ट इजी हो जाता है। ये एज अ सेल्स प्रमोशन टेक्निक भी बन जाता है, वहां पे लोग अट्रैक्ट होते हैं इस पैकिंग की वजह से और वो तैयार हो जाते हैं आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। और इसके साथ साथ ये कन्वीनियंस ऑफ कैरिंग हो जाता है, आपका प्रोडक्ट जो है कैरी कर पाना, एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर पाना इस पैकिंग की वजह से इजी हो जाता है। अगर आपने ये पैकिंग नहीं की होगा तो आपका प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब आप किसी प्रोडक्ट को पैकिंग करते हो, उस पैकिंग से को वैल्यू बढ़ जाता है, इस पैकिंग से उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाता है, याद रखना, इससे वैल्यू भी बढ़ जाता है प्रोडक्ट का और इसके साथ साथ पैकिंग चार्जेस भी उसको चढ़ते हैं और इस वजह से प्रोडक्ट जो है टू सम एक्सटेंट महंगा भी हो जाता है। इस जब भी किसी चीज को हम पैकिंग करते हैं ना, वो सुपीरियर बन जाता है। जैसे हमारे यहां
कुरान शरीफ को गिलाफ है, वो गिलाफ जो है ना वो इसकी पैकिंग टाइप है, उससे इसका वैल्यू बढ़ता है। इसी तरह खाने काबा की गिलाफ जो है वो उसकी पैकिंग मान लीजिए, उसे वो गिलाफ की वजह से वो क्या हो जाता है, उस खाने काबा का उसको अजमत है, अजमत उससे पहले भी है लेकिन उसकी वैल्यू और बढ़ जाता है। जो भी प्रेशियस थिंग्स आप देखते हो ना, वो कभी भी खुले आम नहीं होता है, उसको बाजार तो कोई ना कोई चीज़ पैक करके पैकिंग में होता है वो। इसी तरह जो औरतें जो होती हैं ना, जब वो दुपट्टा पहनते हैं, जब वो स्कार्फ पहनते हैं ना, उस स्कार्फ की वजह से उनका वैल्यू और बढ़ जाता है, क्योंकि जिस चीज़ को आप किसी के अंदर डांपते हो, इसका मतलब है कि अंदर कोई प्रेशियस थिंग है। इसी तरह दैट्स वाई इस्लाम में भी ये जो आप स्कार्फ पहनते हो, इससे लोगों का इज्जत विकार बढ़ता है, ना कि घटता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड।